ବୁଝିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟରେ କ'ଣ ହବ, ଏ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନଟା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଦେଖିବା। ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନରେ କ'ଣ ଆସେ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ୍ ଗେମେଟ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ ଗେମେଟ ହବ, ଏହାଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ ଗେମେଟ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମେ ବି ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ, ଆଇସୋଗେମି, ଆନ୍ଆଇସୋଗେମି, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ତୁମର, ଅଗେମି। ଅଗେମିଟା ହେଲା ତୁମର ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ଼ ଟାଇପ୍। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ରେ ସମଯୁଗ୍ମନ, ଅସମଯୁଗ୍ମନ ଆଉ ହେଲା ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମନ। ଏ ଆଇସୋଗେମିଟା ତୁମର କ'ଣ, ଆଇସୋଗେମିଟା ହବ କହିଲ, ସମଯୁଗ୍ମନ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆନ୍ ଆଇସୋଗେମି, ଅସମଯୁଗ୍ମନ, ଇଏ କ'ଣ, ଅଗେମିଟା ହେଲା କ'ଣ, ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମନ। ଟର୍ମ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଯୁଗ୍ମକ ଯଦି ସମାନ ହେଇଥାଏ ସମଯୁଗ୍ମକ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣଟାକୁ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଜନ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସମଯୁଗ୍ମନ। ଦୁଇଟା ଗ୍ୟାମେଟ୍, ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍, ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଅସମଯୁଗ୍ମକ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଅସମଯୁଗ୍ମନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥିବ, ଅଭମ୍ଟା ଡିମ୍ବଟା ବଡ଼ ଥିବ, ନନ୍ ମୋଟାଇଲ୍ ଥିବ, ସ୍ପର୍ମଟା ମେଲ୍ଟା ଛୋଟ ଥିବ, ମୋଟାଇଲ୍ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମନ ବା ଅଗେମି। ବୁଝିପାରିବ, ଓକେ। ସେଇ ସବୁ ଗଲା ବ୍ରାଉନ୍ ଏଲଜିର କଥା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ରେଡ୍ ଆଲଜି। ରେଡ୍ ଆଲଜିରେ କ'ଣ ହବ, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ, ଥାର୍ଡ ୱାନ୍, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରେଡ୍ ଆଲଜି ବା ରଡ଼ୁ ଫାଇସି ବୋଲିକିରି କହିହବ। ରଡ଼ୁ ଫାଇସି ମାନେ କ'ଣ, ରଡ଼ୁ ମାନେ ହେଲା ରେଡ୍, ଫାଇସି ମିନ୍ସ ଆଲଜି, ରଡ଼ୁ ଫାଇସି ମିନ୍ସ ରେଡ୍ ଆଲଜି। ସୋ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ରେଡ୍ ଆଲଜି ବୋଲିକିରି କହିବା, ବିକଜ୍ ଦେୟାର କଲର୍ ଇଜ୍ ରେଡ୍, ଓକେ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍, ଦିଜ୍ ଆର୍ ରେଡ୍ କଲର୍, ସୋ କଲ୍ଡ ଏଜ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ରେଡ୍ ଆଲଜି କହିବା। କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି, ଦିଜ୍ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟଲି ମେରିନ୍ ବଟ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଫ୍ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍, କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବି ତୁମେ ୟୁନିସେଲୁଲାର ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ପାଇବ, ରେଡ୍ ଆଲଜି। ଦେ ମେ ବି ୟୁନିସେଲୁଲାର
एक कोश पाइब और दे में भी मल्टी सेलुलर बहुकोशी भी पाइब केवल ब्राउन अल्जी रे यूनिसेलुलर फॉर्म टे नहीं ग्रीन अल्जी रे यूनिसेलुलर अवेलेबल रेड अल्जी रे यूनिसेलुलर अवेलेबल एक कोशी हमें ग्रीन अल्जी रे पाइबा रेड अल्जी रे पाइबा बट ब्राउन अल्जी रे हमें पाइबा नहीं ब्राउन अल्जी दे हैव मल्टी सेलुलर फॉर्म ओनली कंप्लीटेड। अच्छा उसके बाद आंकर सेल वॉल किमति तैयारी हिति वो सेल वॉल आउटर लेयर गुटे थिवो प्लस इनर लेयर गुटे थिवो इनर लेयर टा कोथिर तैयारी हिति वो सेलुलोज आउटर लेयर टा कोथिर तैयारी थिवो अगर आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ अगर आउ काराजिनिन काराजिनिन रे तैयारी थिवो अगर एंड काराजिनिन इनर टा सेलुलोज हबो। तापर आम देखा जो अगर अच्छी जो काराजिन अच्छी ये गुड़ाक गोटे गोटे हाइड्रोक्लोराइड और फाइकोक्लोराइड से अगर काराजिन कौन कह प्लीज नोट डाउन अगर एंड काराजिनिन इदिटा कौन हाइड्रोक्लोराइड बाकु फाइकोक्लोराइड बोली कहिबो काम कौन दे होल्ड और दे ट्रैप वाटर पानी को बांधिकी रखिए ट्रैप वाटर दे बाइंड विथ वाटर दे होल्ड द वाटर अगर यूज कौन अगर इज यूज्ड इन अगर इज यूज्ड इन आइसक्रीम जेली कौन पर व्यवहार करा जाए एज ए थिकनिंग एजेंट थिकनिंग एजेंट से आइसक्रीम से क्रीम टाक थिक करिया पाए मोटा करिया पाए अगर यूज करा जाए तो को टाइप रो रेड एल्जी रु अगर टा एक्सट्रैक्ट करा जाए देखिबा अगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्जी जेलिडियम एंड ग्रासिलारिया प्लीज नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन अगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दुईटा ना लिखिबो जेलिडियम आ गोटे आलजी तुम है ग्रासिलारिया जेलिडियम एंड ग्रासिलारिया ए दुईटी रेड आलजी रु आम अगर एक्सट्राक्ट करू बुझिपार इज इट क्लियर देन कम टू द पिगमेंट पार्ट Which pigment is there? को pigment रहिबो? Pigment अंगर रहिबो? Chlorophyll,
ए तो कमन एंड डी एटा ग्रीन एलजी रे रहइबो ब्राउन रे भी रहइबो रेड रे भी रहइबो बाकी ए पट्टा चेंज हो बी फॉर ग्रीन एलजी सी फॉर ब्राउन एलजी डी फॉर रेड एलजी आउ को पिगमेंट रहइबो उडे आर फाइक्वेरिथ्रिन करी करी गुटे पिगमेंट थाए आर फाइक्वेरिथ्रिन जो पिगमेंट पाई करी रेड एलजी रो रेड कलर टा हेता आर ही पाई इट प्रोवाइड्स रेड कलर तो रेड एलजी बुझी पारिबो सो रेड एलजी टा जदी हम देखिबा ब्राउन रेड और ग्रीन भितर समुद्र गभीरतम प्रदेश में कौ एलजी टा देखा जाए डीपेस्ट पार्ट आसन ताले सेटा हम आंसर कौन हम रेड एलजी ओके सो रेड एलजी आर प्रेजेंट रेड एलजी आर प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ आसन बुझ पार सेटा से बॉटम रे रही जाए कौन पाई ता पाखरे गोटे स्वतंत्र पिगमेंट अछि फाइक्वेरिथ्रिन पिगमेंट जो कि से बॉटम रे रही पारे आउ सबुठार तले रही कि मध्य से फोटोसिंथेसिस करि पारे बुझिगला पिगमेंट पार्ट इज क्लियर सेल वॉल इज क्लियर देन द नेक्स्ट पर्सन अबाउट द रेड एलजी रिजर्व्ड फूड मटेरियल एंकर कौन रहइबो और स्टोरेज फूड मटेरियल स्टोरेज फूड बात को हम कहिबा रिजर्व फूड मटेरियल कौन एटा फ्लोरिडियन स्टार्च एटा मन रखा पड़ो फ्लोरिडियन स्टार्च इट इज इम्पोर्टेंट क्लियर नेक्स्ट रिप्रोडक्शन प्रथम आसला वेजिटेटिव वेजिटेटिव रे कौन हम रे फ्रैगमेंटेशन एसेक्सुअल एसेक्सुअल ले नॉन मोटाइल स्पोर अचल रेणु सेक्सुअल सेक्सुअल ले आंकर केवल अगेमी पाइब डिंब जुग्मन पाइब अगेमी ओनली एडी आइसोगेमी आन आइसोगेमी मिलिबो नाही केवल गोटे प्रकार देखा जाए दैट इज अगेमी बा जाक हम डिंब जुग्मन बोली करी को हम तापर एग्जांपल्स लेखो रेड एलजी रे एग्जांपल लिखिबा कौन कौन एग्जांपल सुचंकर देखिबा एग्जांपल ले पाइबो पॉलीसिफोनिया पॉलीसिफोनिया परफाइरा जेलिडियम ग्रासिलारिया एग्जाम्पल लिखो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेड एलजी पॉलीसिफोनिया परफाइरा जेलिडियम ग्रासिलारिया सो ए दि जन को हमें कौन कहिबा
agarophytes. कौन पाई agarophytes कहिबा? Because the agar is produced. एठु आमे अगर प्रोडक्शन करूचु, अगर एक्सट्रैक्ट करूचु, सेथि लागि क्रिया को आमे कहिबा agarophytes. Completed. Then next part, the algae part is clear. Next plant group टा कोटा तमरो? Next plant group is bryophytes. Bryophytes. Bryos माने कौन रे पिले? Moss. Phyte माने कौन? Plant. ताकु आमे कहिबा moss plant. So को माने bryophyte देखी छ मते कहिलो? Have you seen bryophytes? Bryophytes किए देखी छी? Have you seen bryophytes or not? Bryophytes ta dekhi cha nai? Bryophytes ta moss puruna building heithibo ba pathar upre heithibo gune neliya neliya gune layer heithibo gune ta apra porle khosi jaudu siuli boli ame ko hala to seita hala moss ba bryophytes पर एकदम ग्रीन कलर रा कारपेट बढ़िया है इतने, हैला? घर तैयारी हुई थी वो सीमेंट पेमेंट पड़ी थी वो पूर्णा हम दिताबरे से पानी पड़े लगी करी उड़े ग्रीन कलर रा उड़े मैट बढ़िया है इतना। दीज आर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स टा कौन हो? इट इस लिटिल बिट एडवांस द एल्जी। एल्जी रा जस्ट के ऊपर को डासला। ते माने कौन करन थी? ये माने वो एक्वाटिक नुहन थी। जलभाग रु टे स्थलभाग को आसी किंतु संपूर्ण भाव जल को छाड़ी ना जदिओ एम टेरेस्ट्रियल मोड रे अच्छा बट द डिपेंड ऑन वाटर से मैंने पानी पर निर्भर करती रिप्रोडक्शन टी कम्प्लीट करने से उभयचर बोली कहचु एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम ओके Bryophytes are called as amphibians of plant kingdom. कौन पाई? These are commonly called as amphibians. Of Plant kingdom, amphibians of plant kingdom. कौन पाई? तो amphibians कोई बा? Because they are terrestrial, थोड़ा चरो. मने? They live on land. But depends on water for reproduction. Reproduction ने समाने पानी को छाड़ी परी बनाई. पानी डा दरकार से तेरे दागर गमेट्टा पहरी करी जबे. तो जेहेतु माने पानी रू जोड़ो रू थोड़ा को आश्चर्य नहीं पूरा सुखीला रे रही परी बनी. They are found in the moist place. नियर द वाटर सोर्सेस पानी पाखापाखि एरिया रे समान थी पूरा सुखी होले समान रही गेल तो से भाई मोस बडा तुम वर्षा दिन देखे हो पाए खरा दिन पाई बने सुखी जे मरी जानी समान नहीं दे आर फाउंड नियर दे आर फाउंड इन डैम्प सोयल संतोषंतिया माटी डैम्प सोयल मॉइस्ट प्लेस छाई जो पड़ू थोड़ा सेडी प्लेसेस
ନହେଲେ ଏମାନେ ମରିଯିବେ। ଡାମ୍ପ ସଲ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ, ଯେଉଁଠି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଥିବ, ଯେଉଁଠି ଟିକେ ମଏଶ୍ଚର ଥିବ, ଆଉ ସେଡ଼ି ଥିବ, ଛାଇ ଥିବ, ସେଇସବୁ ଜାଗାରେ ଆମ୍ଫିବିଅନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସୁ ରହିବ କି? ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସୁ। ଆମ୍ଫିବିଅନ୍ସ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା, ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସୁ। ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସୁଟା ତୁମର କ'ଣ? ଜାଇଲେମ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୁଏମ ଆବସେଣ୍ଟ, ଆଉ କ'ଣ? ଟ୍ରୁ ରୁଟ, ଷ୍ଟେମ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ଆର୍ ଆବସେଣ୍ଟ। ହେଇପାରିବ? True root, stem and leaves are absent, but they have root-like structure, stem-like structure, leaf-like structure. Samanangara kadai thiva, they have root-like, stem-like and ଲିଫ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତଃସ୍ୱତିକା ରୁଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ଲିଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟେମ୍ ନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇଭଳିଆ ରୁଟ୍ ଭଳିଆ, ଷ୍ଟେମ୍ ଭଳିଆ, ଲିଫ୍ ଭଳିଆ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥିବେ। ତ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କର ଏତେ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ହେଇନାହିଁ, ହାଲକା ହାଲକା ତିଆରି ହେଉଛି। ୟା ପରଠୁ ଟେରିଡ଼ଫାଇଟ୍ ପାଖରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଯିବ, ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ମାର୍କ କର, ଆଲଜିର କିଛି ନଥିଲା, ବ୍ରାଉନ୍ ଆଲଜିର ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲା, ଫୁଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ରେଡ଼୍ ଆଲଜିର ଆଉ ଟିକେ ଆସିଲା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଗଲା, ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଇକିରି ଏନ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ୟୁକାଲିପଟାସ୍, ବେନିୟନ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ଆଜି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା।